खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हलियापुर क्षेत्र में पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस चौकी के स्थान को लेकर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने एक्सप्रेस वे के प्रशासनिक मैनेजर एसके पांडा के साथ पुलिस अफसरों ने वार्ता की। क्षेत्राधिकारी बलदीराय विजय मल और थानाध्यक्ष मोहम्मद अरशद के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा बताया गया डायल 112 के वाहनों से एक्सप्रेस वे पर निगरानी की जाएगी। वहीं सुल्तानपुर एसटीएफ व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा यूजनिक मेडिसाइंसेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लूट करने वाले 50,000 रुपए के एक इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कोतवाली नगर अंतर्गत लूट जिसका सफल नावरण करते हुए 3 अभियुक्तगण को जेल भेजा जा चुका था, जिसमें से एक अभियुक्त जिस पर पुलिस द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, आज केड़ई मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सुल्तानपुर जनपद से प्रमोद कुमार पांडे की रिपोर्ट। उर्फ गोली जो सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना का रहने वाला है और 18 जुलाई 2020 को एक फ्रेंचाइजी कंपनी से 3.5 लाख रुपए की लूट हुई थी, उसका मुख्य आरोपी था। इसका स्वयं का गैंग है। इसे आज बंधा तेराह कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस टीम में एसटीएफ और हमारी जिला पुलिस की स्वाट टीम का सम्मिलित प्रयास था। इसके विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो एक दुर्दांत अपराधी है। 50,000 रुपए का इनाम घोषित था आईजी स्तर से और ये लगातार सक्रिय था। इसकी गिरफ्तारी से अन्य अपराधियों के बारे में भी जानकारी मिली है, पूछताछ जारी है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरीके की अपराधी वारदातों को यह अंजाम देता था? बेसिकली लुटेरा है। अलग अलग इसकी एक और विशेष बात है कि हर बार नए गैंग सदस्य बनाता है, जिससे कि जो पुराने इसके गैंग सदस्य हैं उनके निगरानी रखने का बहुत लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इस बार और अधिक योजनाबद्ध तरीके से इसे गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है और इसके बाद सतत निगरानी रखी जाएगी।